पाकिस्तान में चल रही सियासी हलचल से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको हम दे दें। पाकिस्तान में देखिए इमरान सरकार गिर चुकी है और अब तय है कि शहबाज शरीफ ही पीएम बनेंगे, लेकिन शहबाज की राह फिलहाल आसान नहीं दिख रही है। ताजा और बड़ी खबर यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल शहबाज शरीफ पर आरोप तय होना है। लाहौर हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है और इस केस में शहबाज और उनके बेटे का नाम है। ज्यादा जानकारी के साथ हमजा अमीर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस्लामाबाद से। हमजा, माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ का अगला पीएम बनना तय है, लेकिन फिलहाल उनकी भी राह मुश्किल हो रही है। जी, ये जो केस है शहबाज शरीफ का, जो ये काफी पहले से चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और उनको 11 तारीख को जो है वो कोर्ट ने समन पहले से किया हुआ था। अब हुआ ये है कि उनको कल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनना है और उसके साथ ही जो है वहाँ पे हेयरिंग है। इसीलिए सुनने में आया है कि नेशनल असेंबली की जो टाइमिंग थी उसको टाइमिंग को चेंज किया गया है। पहले जो उस वक्त 11 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से असेंबली का सेशन रखा गया था, अब उसका टाइम बदल के 3 बजे कर दिया गया है। तो लग ऐसा रहा है कि शहबाज शरीफ सुबह लाहौर में अपना केस को पहले चलाएंगे और फिर वहां सीधा वापस जाएंगे ताकि यहाँ पे 3 बजे के बाद जो है वो सेशन को अटेंड कर सके। ठीक है, हम साहब हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट समझते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान की कुर्सी इसलिए चली गई क्योंकि उनकी पार्टी के बागी विपक्ष से जा मिले। और इस वक्त की ताजा और बड़ी खबर ये, बड़ा अपडेट ये कि इमरान के बागी अब नवाज शरीफ की पार्टी यानी कि पीएमएलएन के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमजा, एक और बड़ा झटका ये कि जो बागी थे वो विपक्ष के साथ तो मिल गए थे, लेकिन अब सीधे तौर पर फॉर्मली इसको कह सकते हैं कि पीएमएलएन के टिकट पर वो आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जब से उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ा था उस वक्त से ही उन्होंने ये फैसला किया था और इनसे बात करने के बाद ही फैसला किया था कि वो अगली बारी जो इलेक्शन लड़ेंगे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ेंगे। क्योंकि ये सारा मामला जो बिगड़ा था ये पंजाब के सूबे में बिगड़ा था और वहां पे ही जो है वो ज्यादातर टिकट के हैं, तो इसलिए जो है ये इसकी तैयारी भी हो रही है। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज अभी हुई है वो है बीबीसी की रिपोर्ट। जी, बीबीसी ने कल के जो मामला प्राइम मिनिस्टर हाउस में सारा दिन और रात तक चलते रहे के हवाले से बताया है कि इमरान खान बाकी ही जो है वो आर्मी चीफ को बरतरफ करने के कार्य के इरादे में थे और लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि कोर्ट ने भी है वो उसको रोकने के लिए इंतजाम कर दिया था। और जिस तरह से कल एकदम से जो है वो हेलीकॉप्टर में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऑफिशियल उनके पास थे, उन्होंने भी आके जो है वो इस चीज को रोक दिया था। वरना ये बीबीसी का क्लेम है जिसको पीटीआई की लीडरशिप है वो कहते हैं कि ये गलत है। ठीक, हमजा बने रही हमारे साथ। तो बड़े अपडेट्स हमने अपने दर्शकों को दिए, पहला ये कि शहबाज शरीफ की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ सकती हैं और साथ ही दूसरा अपडेट ये कि जो पीएमएलएन में विपक्ष माफ कीजिएगा जो बागी हो गए इमरान की पार्टी के सांसद वो उस पर टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। पहला सवाल तो यही है कि अब इमरान क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव हारे लेकिन अब इमरान क्या करेंगे। सवाल ये भी कि क्या इमरान खान देश से भाग जाएंगे, क्या इमरान की गिरफ्तारी होगी क्योंकि ये डर उनको अपने इस्तीफे के पहले भी सता रहा था। सवाल ये कि क्या खिचड़ी सरकार चल पाएगी, ये सबसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी हैं। हालांकि कल पीएम का चुनाव हो जाएगा लेकिन उसके पहले आज 3 बजे तक पीएम के जो नए उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हमजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमजा, ये तमाम सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं कि अब इमरान का क्या होगा, इमरान का कदम क्या होने वाला है आगे। देखिए, इमरान खान ने कल जो है ये तय कर लिया था, उससे एक दिन पहले भी तय कर लिया था कि वो अब आवाम में जाएंगे, वो अब हड़तालें करेंगे और आज से जो है वो हड़तालों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि आवाम फैसला करना है तो आवाम ने हम पाकिस्तान की स्थिति का फैसला करना है तो आवाम में जाएंगे। जी, उनका प्लान तो बड़ा क्लियर है कि वो अपोजिशन तो बन रहे हैं लेकिन वो हुकूमत को इतना आसान वक्त आसानी से हुकूमत करने नहीं देंगे। वो जैसे पहले हड़तालें करते हैं और एक बहुत बड़ी हड़ताल। तो ये एक और सवाल है कि क्या इमरान पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले जाएंगे, भाग जाएंगे, या उनके ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार है वो लटक रही है, इससे भी हम किनारा नहीं कर सकते, ये भी डाउट्स हैं अभी।
जी बिल्कुल हैं, क्योंकि माना कि ऑपोजिशन ने ये कह दिया है, शहबाज शरीफ जो अब प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम कोई बदले की सियासत नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लॉ यानी कि कानून अपना रास्ता जरूर देखेगा। और उन्होंने ये क्लियर किया हुआ है कि इमरान खान के ऊपर केसेस बनते हैं, इमरान खान के ऊपर अभी भी जो है वो फॉरन फंडिंग का केस है, उसके अलावा ये लेटर लेटर के हवाले से जो लेटर गेट का नाम दे दिया गया है उसको भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए पीएमएलएन की जो हुकूमत बन रही है वो भी इसके ऊपर भी जो है वो आगे इसके ऊपर करने के इरादा रखते हैं। तो ऐसा है कि इमरान खान बाहर जा नहीं पाएंगे, उनको यहीं बैठ के ही जो है वो और केस। ठीक हमजा, आप नजर बना के रखिए, फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो इमरान ऐसा नहीं है कि बाहर भाग जाएंगे, हो सकता है वो आने वाली जो नई हुकूमत है उस पर निशाना साधने के लिए तैयार रहेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।